सो वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास ट्वेल्थ के अर्धवार्षिक परीक्षा ऑफ अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसका आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए और आज के पेपर में कर दीजिए। सो पहले है एक नंबर क्वेश्चन आएंगे, तीन नंबर का, चार नंबर क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उत्पादन संभावना वक्र आकार कैसा होता है और निम्न में से किस अर्थव्यवस्था सामाजिक हित एवं कल्याण में महत्व किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोक्ता, उत्पादक, सेवाधारी, सेवा प्रवक्ता आदि। उसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जिसका डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेकआउट कर लेना, ठीक है। निम्न में किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण महत्व दिया जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट हो तो। स्थिर लागत को कहते हैं परिवर्तन लागत। उत्पादन प्रारंभ होने पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है? स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के खालिस्तान हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था खालिस्तान और खालिस्तान को मिलकर बनती है। उत्पादित वे वस्तुएं हैं तथा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं तथा अन्य सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं खालिस्तान वस्तुएं कहलाती हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में खालिस्तान का अध्ययन किया जाता है। मूल तथा मांग में खालिस्तान संबंध होता है। यदि अन्य बात समान रहे तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में खालिस्तान होता है। ऊंची तटस्थता वर्ग खालिस्तान अंतर की संतुष्टि को दर्शाती है। खालिस्तान लागत औसत लागत को उसके निचले बिंदु पर काटती है। मूल तथा मांग में संबंध है और आप पढ़ लीजिए वहाँ की सही जोड़ी पढ़ लीजिए। सही जोड़ी है समष्टि अर्थशास्त्र, राज्य को हस्तक्षेप नहीं है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है, मांग का नियम आधार है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग है, स्थिर लागत और आदि, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पे आए तो क्वेश्चन आंसर तीन नंबर के हैं। पहला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताएं, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, सीमांत अवसर लागत को समझाइए और उत्पादन की संभावना वक्र के कोई तीन मान्यता लिखिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? उदासीनता मानचित्र क्या है? पूर्णता वेलोचादर मांग किसे कहते हैं? मोक चक्र के नीचे क्या कारण होता है? परिवर्तनशील अनुपातों को विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। क्या दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधन स्थिर हो सकते हैं? सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण में क्या संबंधित है? केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के बीच समझाइए। उत्पादन संभावना समझाइए। क्या यह आवश्यक है कि AC फिर DC पे गिरे या MC हो? उत्पादन फलन की समझाइए। जो भी आपको सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ओके, क्लियर। और आपको PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियो। ये पेपर आज बनाने वाला है, ओके।